आंखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहां। मिट्टी की खुशबू आई पलकों पे, आंसू लाए पलकों पे, रह जाएगा यादों का चाहां। मंजिल नहीं है जाना है कारवां, चलना अकेले कश नजारे देखे, झिलमिल सितारे देखे, आंखों में फिर भी तेरा चेहरा है जवां। कितनी बरसातें आई कितनी सौगाते लाई, कानों में फिर भी गूंजे तेरी सदा। वादे किए थे अब ना होगा आशियां, वादों का जाने होगा क्या। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे, फिर क्यों नजर। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे, फिर क्यों नजर। तन्हा दिल माई चैनल, मेरा नाम पुनीत है और मैं खोज द बैंड का गिटार सिंगर एंड फाउंडर हूँ। आज मैं आपको शान का तन्हा दिल सॉन्ग का मेरा वर्जन सिखाने वाला हूँ, जो मैंने इसे अकूस्टिक रॉक वर्जन बनाया है। तो ये गाना हिंदी पॉप म्यूजिक में ऑलमोस्ट एवरग्रीन क्लासिक सॉन्ग है, एंड लिटरली एवरी जनरेशन नोज दिस सॉन्ग। सो इट्स अ वेरी कूल सॉन्ग, एंड इवन मेलोडिकली एंड कॉम्पोजिशनली इट इज़ एन अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग। इसको मैंने ऐसे अरेंज किया है कि आप अगर अकेले अकूस्टिक पे बजा रहे हैं तो यू कैन प्ले इट। सो ये ओरिजिनल की से अलग में लिया है क्योंकि मेरा वोकल रेंज एक तो लोअर साइड पे है, दूसरी बात है कि जो ए माइनर शेप में जो मुझे कॉर्ड्स एंड जो नोट्स मिलते हैं रिफ में स्पेशली, तो वो मेरे लिए सिर्फ ए शेप में पॉसिबल है। इसके लिए अगर आपको गाने की स्केल ऊपर लेनी है तो जस्ट यूज़ अ कैपो एंड जस्ट पुट इट ऑन द सेकंड फ्रेट और द फोर्थ फ्रेट, सो डिपेंडिंग ऑन योर वोकल रेंज। सो प्लीज़ ऑल्सो टू चेक आउट द रेस्ट ऑफ माई लेसन, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक व्हाट यू सी। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द लेसन नाउ। ये है ए माइनर, ई माइनर, सी मेजर एंड इसे डी ओवर जी कहते हैं, बट शेप वाइज सेम है सी, बस दो फ्रेट आगे। तो जो पैटर्न बजा रहा हूं मैं, बेस नोट फोर्थ स्ट्रिंग पे जो भी नोट आएगा उस कॉर्ड का, एंड सेकेंड स्ट्रिंग, सो बेस फोर टू बेस फोर टू बेस फोर, फिर अब ई माइनर का बेस नोट सिक्स स्ट्रिंग पर है, ई नोट, तो इसके लिए वहां पर सिक्स फोर टू सिक्स फोर टू सिक्स फोर, फिर बैक टू जो पहला पैटर्न था वही ए माइनर पर, और फिर वापस आखिरी में ये डी पर स्ट्रम करना है आपको।
तो इसमें राइट हैंड में मैंने ये म्यूटिंग भी की हुई है, सो इट्स जस्ट बेसिकली हल्के से आपको आपकी जो पाम रहती है इस पार्ट को आपको हल्के से स्ट्रिंग्स पर रेस्ट करना है, ज्यादा जोर से मत दबाइए, जस्ट हल्का सा, सो इससे डैम्प हो जाती है नोट्स, तो इससे काफी कूल इफेक्ट आता है अगर आप इसको जुडिशियसली यूज करें तो. स्टार्ट होता है ए पावर कॉर्ड से, दैट इज फिफ्थ ओपन स्ट्रिंग एंड सेकंड फ्रेट ऑफ द फोर्थ स्ट्रिंग, तो दैट इज 0-3 हैमर ऑन द सिक्स्थ स्ट्रिंग एंड ए पावर कॉर्ड, सो ये पैटर्न है डाउन म्यूट म्यूट डाउन म्यूट म्यूट डाउन म्यूट, फिर सो ये है फिफ्थ स्ट्रिंग पर 0-2 हैमर ऑन, फिर डी नोट, डी स्ट्रिंग ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, फिर जी पर बेंड और हल्का सा डाउन बेंड और विब्राटो, और फिर ई पावर कॉर्ड, सो दैट इज ओपन सिक्स स्ट्रिंग एंड ओपन एंड सेकंड फ्रेट ऑफ द फिफ्थ स्ट्रिंग, सो अब तक हुआ तो ये है 0-2 हैमर ऑन द फिफ्थ स्ट्रिंग, ये है सी पावर कॉर्ड ऑल्सो कॉल्ड C5, तो थर्ड फ्रेट और फिफ्थ फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग की फोर्थ स्ट्रिंग की, सो म्यूट करना है, फिर इसे बी ओवर जी कॉर्ड कहते हैं, सो ये सेम सी जैसे पकड़िए और बस ये आपकी इंडेक्स फिंगर जो आपकी रूट नोट है इसको हाफ नोट नीचे ले लीजिए, सो फिर जी जी में आपको सिर्फ थर्ड फ्रेट की सिक्स स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग बजानी है, सो फिर वापस जी जी डी 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 में ध्यान रखें कि आप फर्स्ट स्ट्रिंग ना बजाएं, सिर्फ जैसे नॉर्मल डी मेजर बजाते हैं तो उसमें नीचे की स्ट्रिंग बजाते हैं तो ये मत बजाइए, सिर्फ ये तीन स्ट्रिंग्स यानी 4, 3 और 2, तो इसे D5 या डी पावर कॉर्ड कहते हैं, तो ये हुआ दो बार डी, फिर सो दिस इज ओपन स्ट्रिंग ऑफ द फिफ्थ स्ट्रिंग एंड थर्ड फ्रेट ऑफ द फिफ्थ स्ट्रिंग, सो फर्स्ट हाफ, और फिर एंड करना है ए पावर कॉर्ड, तो अब तक पूरा ऐसा है, वर्सेस में कॉर्ड्स सेम है एज द इंट्रो, सो आंखों में सपने लिए घर से हम चल तो दी ई माइनर, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहां, यहां डी मेजर आप यहां पर बजा सकते हैं, यहां पर भी बजा सकते हैं, दोनों ही अच्छा लगता है, तो नॉर्मल जब डी मेजर बजाते हैं वैसे ही बजा सकते हैं, सो na 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 na
इसमें स्ट्रम है डाउन 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 डाउन, पूरा डाउन स्ट्रोक से तीन थ्रीज के पैटर्न्स में। सो और आप हल्का सा लेफ्ट हैंड को लिफ्ट ऑफ करेंगे बीच बीच में तो अच्छा परकसिव इफेक्ट आता है। तो ये हो गया फर्स्ट हाफ। अब सेकेंड हाफ में इट इज एफ मेजर, सेम पैटर्न स्ट्रमिंग का, डी मेजर। फिर कोरस में वही पैटर्न, सेम स्ट्रमिंग पैटर्न, यहाँ पर म्यूटिंग मत कीजिए, सेम कॉर्ड्स है, ए माइनर ई माइनर सी डी। Back to intro. Between the verses मैंने यहाँ पर palm muting जो मैंने intro में किया था मैं नहीं कर रहा यहाँ पर, just plain arpeggio वही पूरा। गाने के end में मैंने एक variation लिया है after the second chorus जो ऐसे sound करता है। काफ़ी कॉमन रॉक फ्रेजिंग है, ये लेड ज़ेप्लिन के एक सॉन्ग है बेब आई एम गोना लीव यू, इसमें भी यही कॉर्ड यूज़ किए गए हैं। सो ये ए माइनर में काफ़ी अच्छे से बैठता है, एंड अगर आप आपको मोड्स की नॉलेज है या मोड्स में इंटरेस्ट है तो इसमें हल्का सा डोरियन फ्लेवर, जो सेकेंड मोड होता है डोरियन, उसका फ्लेवर है। सो इवन इफ यू डोंट नो इट डज नॉट मैटर, जस्ट प्ले करना सीख लीजिए। सो स्ट्रम पैटर्न सेम रहेगी, डाउन 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 डाउन, ए माइनर पहला कॉर्ड, दूसरा है ये, इसे G ओवर A माइनर कहते हैं। सो ये है, आपने ये A माइनर बजाया, अब आपकी रिंग फिंगर उठाइए और बाकी स्ट्रिंग बाकी फिक्स रखिए फिंगर्स, और उसको थर्ड फ्रेट सिक्स स्ट्रिंग पर डालिए, और आपकी फिफ्थ स्ट्रिंग म्यूट होनी चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। सो ये है G ओवर A माइनर। फिर ये बेसिकली D7 आपका होता है, D7 का इन्वर्जन है, जो आपकी नॉर्मली एफ शार्प नोट फर्स्ट स्ट्रिंग पर होती है वो अब सिक्स स्ट्रिंग पर रूट नोट है। सो असेंशियली ये डी सेवन है, डी डोमिनेंट और डी सेवन, बट आपने इसको इन्वर्जन कर दिया बाय चेंजिंग द रूट नोट। सो ये है सेकेंड फ्रेट सिक्स स्ट्रिंग एंड सेकेंड स्ट्रिंग एंड फर्स्ट फ्रेट ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग। यहाँ पर भी ए स्ट्रिंग यानी फिफ्थ स्ट्रिंग को म्यूट करना है आपको, और डी ओपन स्ट्रिंग बजानी है। सो एंड फर्स्ट स्ट्रिंग मत बजाइए इसमें। सो एफ मेजर, ये हाफ द जितना बाकी कॉर्ड्स का स्पेस था उससे हाफ स्पेस में ये। सो दिस इज जस्ट डाउन डाउन डाउन, फिर जी, F मेजर और G मेजर जो हम E शेप में बजाते हैं वही जस्ट आगे, ये हो गया। फिर उसके बाद इट गोज बैक टू A माइनर, फिर G पर दो बार। सो ये है A माइनर इस शेप में, ये आप नॉर्मली ऐसे पकड़ते हैं। तो आप ई माइनर जैसे पकड़ते हो इसको, पहले सेवन फ्रेट पर लेके आइए, नीचे की चार स्ट्रिंग्स पर बार कीजिए, बस ये हो गया आपका ई माइनर। सो